हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका संजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। राउरकेला। दोस्तों, राउरकेला भारत के उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में स्थित एक औद्योगिक नगर है। राउरकेला की स्थापना 3 मार्च 1954 को हुई थी। राउरकेला नाम की उत्पत्ति सादरी की स्थानीय भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है आपका गाँव। इसमें राउर का मतलब होता है आपका और केला का मतलब होता है गांव। राउरकेला उड़ीसा राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर स्थित है। ये ब्राह्मणी नदी और दक्षिण कोयल नदी के किनारे बसा हुआ है और यहीं पर इन दोनों नदी का संगम स्थल होता है। सड़कों पर चलती हुई अधिकतर गाड़ियों में अगर आप OD-14 लिखा हुआ देखे तो समझ जाएं कि आप सुंदरगढ़ या राउरकेला में मौजूद हैं। पूर्व में बिसरा, पश्चिम में राजगंगपुर, उत्तर में ओरगा और बीरमित्रपुर आदि तथा दक्षिण में लाठीकाटा और दार्जिन से घिरा हुआ राउरकेला नगर का कुल क्षेत्रफल 102 वर्ग किलोमीटर का है। राउरकेला तक पहुँचने के लिए दो माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है, सड़क माध्यम और रेल माध्यम। अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए अंतर राज्य या निजी बस लेना होगा। इसके अलावा आप राउरकेला तक पहुंचने के लिए कैब या सेल्फ ड्राइव भी बुक कर सकते हैं। वहीं बात अगर रेल मार्ग की करें तो मैं आपको बता दूं कि राउरकेला में एक बेहद ही व्यस्त रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम है राउरकेला रेलवे स्टेशन। भारत के प्रमुख शहरों से इस स्थान के लिए ट्रेनें बड़ी आसानी से मिल जाया करती। दोस्तों, राउरकेला एक खनिज क्षेत्र है। ये उड़ीसा का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सबसे बड़े इस्पात कारखानों में से एक कारखाना राउरकेला में भी मौजूद है। ये स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। यहाँ राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान राउरकेला सिचुएटेड है, जो की भारत के NIT में से एक है। राउरकेला को उड़ीसा की औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ये शहर स्टील और लोहा के उद्योगों के लिए जाना जाता है। ये उद्योग उड़ीसा की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये शहर उच्चतम पर कैपिटा इनकम दर्ज करने वाला शहर भी है। इस शहर में देश के सबसे बड़े स्टील प्लांट में से एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल है और ये औद्योगिक टाउनशिप छोटे, मीडियम और बड़े पैमाने पर स्टील और लौह निर्माण इकाइयों के लिए जाना जाता है। ये उद्योग लोहा, स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट, डेटोनेटर इत्यादि का उत्पादन भी करते हैं और खनन और सुरंग खोदने का काम भी करते हैं। दोस्तों, राउरकेला में कई सारे छोटे पैमाने पर सेटअप भी मौजूद हैं, जो हस्तकला उत्पादों का उत्पादन करते हैं। इन सेटअप्स में सैकड़ों कारीगर मौजूद हैं, जो कि जूट वर्क, बैटिक प्रिंट, एप्लिक वर्क, सिल्वर फिलिग्री, सॉफ्ट टॉयज, स्टोन कार्विंग, एम्ब्रॉयडरी, टाई एंड डाई, आर्टिफिशियल बोनसाई, डेकोरेटिव वॉल पीस, आर्टिस्टिक पॉटरी, हैंडीक्राफ्ट आइटम इत्यादि बनाकर अपनी जीविका चलाते हैं। दोस्तों, डेमोग्राफी की ओर गौर करें तो मैं आपको बता दूं कि राउरकेला की कुल जनसंख्या 5,36,450 है और ये डाटा सन 2011 में जारी किए गए जनगणना के आंकड़ों के अनुसार है। राउरकेला का जनसंख्या घनत्व 6,696 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का है, अर्थात यहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 6,696 लोग रहते हैं। राउरकेला में 82% हिंदू, 8% मुसलमान और 7% क्रिश्चियन लोग रहते हैं। इसके अलावा बाकी बचे लोगों में सिख, जैन, बौद्ध इत्यादि धर्म के लोग आते हैं। राउरकेला शहर की साक्षरता दर 75% है, जो राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 59.5% से काफी ज्यादा है। यहाँ पर पुरुषों की साक्षरता दर 81% और महिलाओं की साक्षरता दर 69% है। राउरकेला में शैक्षणिक संस्थानों की कमी नहीं है। यहाँ पर कई बड़े बड़े स्कूल्स और कई नामचीन कॉलेजेस मौजूद हैं, जो कि विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य बनाने में काफी सहयोग किया करते हैं। दोस्तों, राउरकेला शहर और इसके आसपास घूमने हेतु कई सारे मनोरम स्थान हैं, जिनमें मुख्य रूप से हनुमान वाटिका, VSS नगर, इस्पात जनरल हॉस्पिटल, राउरकेला स्टील प्लांट,
खंडाधर जलप्रपात, वेदव्यास राउरकेला, दार्जिलिंग और देवघर, पीतामहल डैम, लैगून पार्क, वैष्णो देवी मंदिर, मंदिरा डैम, इस्पात नेहरू पार्क उद्यान, जुबली पार्क, इंदिरा गांधी पार्क इत्यादि शामिल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको उड़ीसा के राउरकेला शहर के बारे में कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस शहर की देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल संजीव मिश्रा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि उस चैनल पर भी आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।